हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विद मी निम्रता और मेक इट सिंपल। तो आज हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सभी आज हम जानेंगे। तो फिर चलिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है आज हमारा टॉपिक है, लेकिन इस मेथड को शुरू होने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम मेथड चालू करेंगे तो उसमें ये टर्म्स यूज होंगे, तो उसको समझ लेना पहले जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो है एंटीजन्स। एंटीजन्स क्या होते हैं, हम अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। एंटीजन्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो कि पैथोजन है, जो टॉक्सिक है, जो लिविंग बॉडी के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है, ठीक है। ये बाहर का प्रोडक्ट है, अंदर हमारी जो बॉडी है या फिर कोई भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके खुद का नोन सब्सटेंस नहीं है, कुछ बाहर का फॉरेन पार्टिकल है जो कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर किया है, ठीक है। तो वो जो एंटीजन है वो टॉक्सिक हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ये एपिटोप क्या होती है, ठीक है। जो एपिटोप है वो एंटीजन का ही पार्ट है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक एंटीजन ड्रॉ किया है, ठीक है। ये एंटीजन है, अब एपिटोप्स क्या होते हैं, एंटीजन का ही पार्ट है, ठीक है। ये वो साइट होती है जो कि इम्यून सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि बी सेल, स्पेशली बी सेल या फिर टी सेल जो होती है, इसके द्वारा जो है वो रिकग्नाइज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एपिटोप्स है उसको एंटीबॉडी रिकग्नाइज के लिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पर्टिकुलर जो एपिटोप्स है उसके लिए पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। कोई भी एंटीबॉडी आके इस एपिटोप्स को पहचान नहीं सकता है, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल होती है, ठीक है, स्पेशल एपिटोप्स के लिए स्पेशल एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। और ये इम्यून सिस्टम का जो स्पेशली बी सेल होती है और टी सेल होती है, यही आगे इस एपिटोप्स को रिकग्नाइज करती है। एपिटोप डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ इस टाइप के होंगे तो उसको कोई और एंटीबॉडी रिकग्नाइज करेगा, ठीक है। तो एपिटोप्स क्या होते हैं, एंटीजन का ही पार्ट होता है जो कि इम्यून सिस्टम के द्वारा रिकग्नाइज किया जाता है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडोमा क्या होता है, ठीक है। तो हाइब्रिड वर्ड हाइब्रिड, जब दो चीजों को मिक्स किया जाता है तो वो हाइब्रिड होती है, ठीक है। तो ये हम बायोटेक में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दो जीन्स को मिक्स किया जाएगा, दो सेल को मिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो सेल को मिक्स किया जाता है। हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, हमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। और एंटीबॉडी किससे मिलती है, बी सेल से मिलती है, ठीक है। बी सेल ही एंटीबॉडी का जो है वो प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें मिल गई, पहली सेल की हमें बी सेल चाहिए, ठीक है। लेकिन जो बी सेल जो है हम इसको आर्टिफिशियली रेडी कर रहे हैं, ठीक है, इन विट्रो कंडीशन में इसको हम रेडी कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो बी सेल्स होती हैं वो जब हम इन विट्रो में इनका कल्चर करते हैं तो कुछ ही वीक बाद ये क्या होती है, मरने लगती है, ठीक है। इनको हम ज्यादा दिन के लिए कल्चर नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज किया, सेल को हाइब्रिड किया। अब हाइब्रिड करने के लिए एक तो हमारे पास बी सेल है, ठीक है, हम इसको कैरेक्टर डालना है कि हमारे पास ऐसा बी सेल होना चाहिए जो हम काफी दिन तक इसको यूज कर सके और ये डाय ना हो और हमें प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी दे और हम इसको कल्चर जो है वो ज्यादा समय तक कर सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है मायलोमा सेल जो होती है, जो कि कैंसर सेल होती है, जो ट्यूमर बनाती है, वो सेल लिया गया। क्यों लिया गया मायलोमा सेल को, क्योंकि जो ये मायलोमा सेल्स होती है इनमें क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो सेल डिवीजन करती है, ठीक है। तो इस कैरेक्टर की वजह से जो हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में हम मायलोमा सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कैरेक्टर है बी सेल जो कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी, लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है कि कुछ वीक बाद मरने लगता है। लेकिन जो मायलोमा सेल्स हैं, जो कैंसरस सेल है, इनमें ये प्रॉपर्टी है कि इन ये मल्टीपल टाइम डिवीजन कर सकती है और इन विट्रो कंडीशन में रह के ये डिवीजन कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से, और ये इन्फिनिटी टाइम तक ये मरती नहीं है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली इनका डिवीजन चलता रहता है। इसलिए इस सेल को हम यूज करते हैं और यूज करके हम सेल बनाते हैं, कहेंगे, ठीक है, हाइब्रिडोमा सेल लाइन कहेंगे, ठीक है। अब
ये जो हमारे पास हाइब्रिड सेल जो रेडी हो रही है, अब इनमें दोनों प्रोडक्शन है, दोनों प्रॉपर्टीज है, ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी करेगी और साथ ही ये इन विट्रो कंडीशन में ग्रो भी करेंगी, ठीक है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो यूज होती है इस एंटीबॉडी प्रोडक्शन वाली टेक्निक, जिसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और पॉलीक्लोनल जो एंटीबॉडीज है, इनकी जो मेथड है लगभग थोड़ी बहुत सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, ठीक है। तो जैसा कि आप शब्द पे थोड़ा ध्यान दें, तो यहाँ पे मोनो वर्ड यूज हुआ है, क्लोनल यूज हुआ है और एंटीबॉडी, मतलब तीन वर्ड से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या होती है हमको पता है, क्लोन मतलब क्या होती है, कॉपीज, ठीक है। अब जो मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल कॉपी एंटीबॉडी, मतलब हम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन तो कर रहे हैं लेकिन वो सिंगल एंटीबॉडी की कॉपीज बना रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम फोटोकॉपी जैसे करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स की हमें ढेर सारी कॉपीज चाहिए, तो हमने सिर्फ उसी की कॉपीज बनाई है, ठीक है, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं बना रहे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ एक ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइप का, तो इसीलिए इसे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की बात करें, तो पॉली मतलब होता है ढेर सारे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की हम कॉपीज बनाते हैं या उसको क्लोन करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये इसका टर्म्स जो हम यूज करने वाले हैं उसका हमने कुछ जनरल आइडिया दे दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के मेथड को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज के बीच डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्यों इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बोलते हैं और जो सेकेंड टाइप है उसे पॉलीक्लोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एंटीबॉडी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंटीजन देख लेते हैं, ये हमारे पास चार टाइप के एंटीजन है, ठीक है। इसको हम A1, A2, A3 और A4, ये चार टाइप के हमने एंटीजन बनाए, ठीक है। अब इसके इपिटोप्स जो है वो मान लीजिए कुछ इस टाइप के हैं इसमें, ठीक है। डिफरेंट टाइप के इपिटोप्स होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल के लिए इस तरीके से बनाती हूँ, ठीक है। ये इपिटोप्स, ठीक है, और इसमें मिक्स है, ठीक है। अब हमारे पास हम चूंकि दो टाइप के मेथड में डिफरेंस देख रहे हैं, इसलिए हमने दो एंटीबॉडीज बनाई, ठीक है। इसे हम AB करके बता दे रहे हैं, ठीक है, एंटीबॉडी। जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करते हैं, तो ये जो हमारा एंटीबॉडी है ये सिर्फ एक एंटीजन के लिए डिजाइन हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये A1 के लिए डिजाइन किया है हमने, क्योंकि ये इन विट्रो कंडीशन पे रेडी होती है, तो हमने सिर्फ ये पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हमने ये एंटीबॉडी को डिजाइन किया है। तो ये एंटीबॉडीज जो है वो आके इससे बाइंड हो जाएंगी इस एंटीजन से, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज हैं वो अदर एंटीजन से आके बाइंड नहीं हो सकती, क्योंकि इसे हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाया है, ठीक है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हमने डिजाइन किया है, तो ये किसी दूसरे एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। ये होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, ये होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जब हम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है कि ये सिंगल एंटीबॉडीज जो है वो इसके साथ और इस दोनों टाइप के जो है, मतलब कि एक से अधिक एंटीजन के साथ जो है वो बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है पॉलीक्लोनल और
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बीच में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है, एक बेसिक जो डिफरेंस है दोनों टाइप के एंटीबॉडीज में वो क्या है। अब हम देख लेते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के मेथड, किसको कैसे लैब में प्रिपेयर किया जाता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो कैसे होता है, ठीक है। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक माउस बनाया है, ठीक है, माउस को इंजेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये काम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर एंटीजन हम ऑलरेडी इसको दे रहे हैं, ठीक है, और माउस को हम इम्यून बना रहे हैं, क्योंकि एंटीजन के इंसर्ट करने से जो ऑर्गेनिज्म है वो इम्यून होने लगता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लैब में इन विट्रो कंडीशन में एंटीजन इंसर्ट किया इस माउस के अंदर, ठीक है। माउस के अंदर एंटीजन के इंसर्ट करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो स्प्लिन टिश्यूज है वो एंटीबॉडी का जो है वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है, वो बी सेल का जो है वो प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो स्प्लिन के थ्रू हमें क्या मिलती है, बी सेल का प्रोडक्शन होता है जो कि आगे चल के एंटीबॉडी को जनरेट करेगा। तो अब हमारे पास जो ये बी सेल्स हैं जो कि एंटीजन के अगेंस्ट जो है वर्क करेंगी, और जो बी सेल्स हैं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है। तो हमारे पास अब एक चीज हो गई है, वो क्या हो गई है कि जो माउस का जो बी सेल है, नॉर्मल बी सेल है, वो हमने ले लिया है, ठीक है। अब हमने जैसे बताया था कि इसमें हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो भी मैंने क्लियर किया था वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो पहली चीज हमें मिल गई, अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, माइलोमा सेल, ठीक। तो अब हमें वो कैंसरस सेल चाहिए ताकि जो बी सेल की जो प्रॉपर्टी है उसको हम और इनहेंस कर सके, ठीक है। तो अब सेकेंड फेज हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड फेज हमारा जो है वो ये है। तो हमने क्या किया, जो माउस का जो माइलोमा या जो कैंसरस बी सेल है उसको कल्चर किया, ठीक है। तो उसको कल्चर करने के बाद हमने उसको आइसोलेट किया, माइलोमा सेल, और अब हमारे पास ये दो टाइप की सेल जो है वो मिल गई, एक बी सेल जो कि नॉर्मल है और एक जो कैंसरस है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को फ्यूज करा के हाइब्रिडोमा सेल्स बनानी है, ठीक है। अब समझ में आया वो टर्म कहाँ यूज हुआ। अब हमने क्या किया, हमने देखो कलर हमने अलग अलग करके इसीलिए बताया ताकि आपको समझने में इजी हो, ये ब्लैक कलर नॉर्मल बी सेल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये ग्रीन कलर यहाँ पे कैंसरस सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो टेस्ट्यूब में हमने क्या किया कि नॉर्मल बी सेल और माइलोमा सेल को हमने फ्यूज करके हाइब्रिडोमा सेल लाइन बनाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई हाइब्रिडोमा सेल लाइन, ठीक है। इसमें जो फ्यूजन के बाद यहाँ पे देख रहे हो आप कि ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक, इस तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है कि हाइब्रिडोमा सेल यहाँ पे ये 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको सिर्फ इतना ही बताया है, ठीक है। तो ये हाइब्रिडोमा सेल है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ बी सेल भी है जो कि स्प्लिन वाली नॉर्मल बी सेल, और कुछ कैंसर सेल भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन सेल्स को हमको रिमूव करना है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें हाइब्रिडोमा सेल ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसा कल्चर प्रोवाइड करेंगे, ऐसा मीडिया प्रोवाइड करेंगे जिसमें सिर्फ ये हाइब्रिडोमा जो सेल है सिर्फ वो ग्रो कर सके, बाकी जो भी सेल्स हैं वो डाई हो सके, वो मर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे HAT मीडियम का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये मीडिया सिर्फ और सिर्फ वो हाइब्रिडोमा सेल के लिए ही सही है, ठीक है। सिर्फ वही ग्रो कर पाएगा इस मीडियम में, बाकी जो सेल है उन सबकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने मीडिया प्रोवाइड किया है इस कल्चर को, जिसमें मिक्स है, इसमें हाइब्रिडोमा सेल भी है, ठीक है, 1, और इसमें नॉर्मल बी सेल भी है 2, और इसमें थर्ड जो है वो कैंसरस सेल भी है, लेकिन हमें डिजायर सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल का ही है। तो हमने इसको मीडियम प्रोवाइड किया, इसका कल्चर किया। अब कल्चर करने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये हाइब्रिडोमा सेल जो है सिर्फ ये हमें मिलेगी, ठीक है। मैंने उसको ये हमें मिल रही है सिर्फ, और बाकी जो एक्स्ट्रा सेल है वो सब डाई हो चुकी है, ठीक है। अब जो है ये हमारे पास डिजायर जो सेल कल्चर है वो हमें मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से जो है क्लोनिंग स्टार्ट होगी,
ठीक है, हमको पता है कि सेल जो है वो डिवीजन करके अपनी संख्या को डबल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को सेल डिवीजन या क्लोनिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो हमारे पास एक है तो एक से दो बनेंगी, दो से चार बनेंगी, ठीक है। तो ये हमारी हाइब्रिडोमा सेल एक है, ठीक है, ये डिवाइड होके दो बनी, दो दोनों डिवाइड होके इस तरीके से ये जो है वो सेल जो है अपनी क्लोनिंग करती जाएगी। और सभी जो सेल होंगी उनमें दोनों कैरेक्टर होंगे क्योंकि ये हाइब्रिडोमा सेल है, जो है इसी तरीके से अपनी क्लोन्स बनाएंगी और अपनी संख्या को और डबल करती जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगी, हमारे जो बी सेल्स हैं वो डिजायर बी सेल जो है हाइब्रिडोमा सेल लाइन जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी हो गई है हाइब्रिडोमा सेल लाइन जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब क्या करेंगे, जो बी सेल है वो अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करेंगी। बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, ये फैक्ट्री एंटीबॉडी, ठीक है। तो अब ये जो हमारा बी सेल है वो कल्चर मीडिया में जो हमें डिजायर एंटीबॉडी है, ठीक है, डिजायर एंटीबॉडी, ये हमारा एंटीबॉडी है, इसका प्रोडक्शन करेगी। ये एंटीबॉडी सिर्फ इस एंटीजन के अगेंस्ट ही अपनी प्रॉपर्टी शो करेगी क्योंकि यहाँ पे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इसी एंटीजन के लिए हमने ये एंटीबॉडी जो है वो डिजाइन किया है, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको क्लियर करने की। तो ये था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सिंप्लीफिकेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो लाइक करके जरूर बताइएगा, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।